दिन से हम इरिटेटेड तो थे उससे कि भाई जब देखो हमारे काम में दखल दे रही है, टांग अड़ा रही है। तो आज हमने सोचा उसका किस्सा ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने चाकू भोंक के उसका मर्डर कर दिया। मैं ठीक है, छोटी सी बात है, तो वो गई है मर। अब क्या है कि अब चाकू भोंकते तो खून वून निकलता है, तो थोड़ा पोछ पाछ देंगे और उसकी लाश को थोड़ा रोल वोल करके हम दफना देंगे। कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए, ये पहली चीज़ है। और इनके परिवार के लिए लेसन भी है कि देखो हमसे पंगा लोगे तो ऐसा होगा। और जैसे ही पता चलेगा उससे पहले वो खुद मर चुके होंगे। अब थपकी का नंबर है श्रद्धा, एक मतलब वो होता है ना खाने के पहले का स्टार्टर, तो वो स्टार्टर है कि देखो एक मर गया, अब थपकी मरेगी, देखिएगा। कहीं ना कहीं थपकी ने आपका प्लान फेल कर दिया है, उन्होंने अपने विवान को अपनी तरफ ले लिया, आपसे छीन लिया है। इस बात का बहुत गुस्सा है हमको। सो इसी के लिए तो अब कोई ना कोई तो घर में उसका खामियाजा भुगतेगा। तो सबसे पहले श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा को बड़ा स्मार्टनेस आई थी कि मेरे बात सुनेंगी, आके हमसे हमारे सारे गहने लूट के ले गई थी। मेरे सोने के इतने सारे गहने, इतना कैश, मतलब 3 बंडल्स। सो वो सब मुझे वापस लेना था। तो बस तो थपकी अब कोई बात बताना चाह रही, बता नहीं पा रही। अरे बात ये है कि उसने बिहान और थपकी को क्लोज आते हुए देख लिया है। अब यस, ये हम नहीं चाहते थे कि वो दोनों अकेले में कभी मिलें और इंटीमेट हों। सो अब ये ऐसा हो चुका है तो इसके ख़िलाफ़ हम देखेंगे और दोनों को सबक देंगे कि बिना पूछे लोग एक साथ गए कैसे। जॉन की बात करें, जॉन वो बहुत दुख की बात है भाई। हमारा बेटा थपकी ने उसको भर दिया और वो लंदन वापस चला गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि वहाँ पर उसको एक डोनर मिल गया है जिसके साथ मैच करता है सब कुछ, तो उसकी किडनी ट्रांसप्लांट लंदन में ही हो रही है। सो वो सही है, लेकिन जॉन ने बोला है कि वो मरते दम तक मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता है। सो उसके लिए कुछ करना, क्योंकि उसे नहीं पता था कि हम उसकी माँ हैं। हमने उससे झूठ बोला था पूरी ज़िंदगी, हमको पता ही नहीं था कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। सो ये थपकी ने हमारी ज़िंदगी में जो जहर घोला है ना, इसके लिए थपकी को चेतावनी है कि हम आगे देख लो हम क्या करते हैं।